बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐमन उर्दू लैब की जानिब से तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि डॉक्टर जाकिर नायक के सामने इस्लाम पर ही एतराज़ उठाया जाए, मगर बहुत ही कम मरतबा ऐसा हुआ है कि वो एतराज़ वाकई में एक हकीकत हो। यही वजह है कि जब भी किसी लेक्चर के बाद सवाल जवाब का सेशन हो तो डॉक्टर जाकिर नायक के सामने अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो बिला वजह इस्लाम पर मिजाक बनाए या बगैर वजह के एतराज़ उठाए तो डॉक्टर जाकिर नायक बहुत गुस्से में आ जाते हैं। बहुत कम मरतबा ऐसा हुआ है कि जो एतराज़ उठाया जाए कि वो वाकई आज की दुनिया में मौजूद हो, चाहे फितने की शक्ल में, चाहे बिद्दत की शक्ल में या कम इल्मी की शक्ल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें भारत से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने मुसलमानों पर एतराज़ उठाया, मगर वो एतराज़ वाकई आज के दौर में बिद्दत बन चुका है, जिसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नायक ने इसके सवाल का जरा भी बुरा नहीं मनाया बल्कि उस खातून की बहुत तारीफ की। मगर फिर भी अपने दलाइल के साथ उन्होंने उस खातून को भी कायल कर लिया जो इस्लाम के बारे में सोचती है कि वो गलत है। इस खातून ने माइक पर आकर बताया कि मेरा नाम बैली जसूसा है और मैं बम्बई से हूँ। मुझे आपका लेक्चर सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लेक्चर टीवी पर सुना करती थी, अब आपको सामने देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहा कि खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराना गुनाह है और फिर आपने कहा कि जब हम अल्लाह के सामने जमीन पर अपनी पेशानी रगड़ते हैं तो हमें आजजी नसीब होती है, हम अपनी बंदगी का इजहार करते हैं। इसी तनाजुर में मेरा सवाल है कि बम्बई में बहुत सी दरगाहें हैं, लोग वहां जाते हैं और वहां पर भी ऐसा ही करते हैं, क्या वो खुदा का शरीक ठहराना नहीं है, क्या वो गुनाह नहीं है? एंड माय नेम इज बेरिल डिसूजा, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। टुनाइट आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू टू थिंग्स। यू सेड टू थिंग्स, वन वाज लाइक एसोसिएटिंग एनीथिंग with God is a sin, it's the biggest sin rather. The second thing you said, that the form of prayer is that the Muslims follow, is that you put your forehead down and it humbles yourself. Now myself being from Bombay, I would because this is something I've noticed there, I would also like to know clearly what is the concept about the dargahs that people go to and people follow. नाजरीन, ये सवाल सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, बेशक इसमें मुसलमानों के अकायद पर सवाल उठाया गया था, वहीं इस दोगलेपन का भी जिक्र था जो कुछ काली भेड़ों की वजह से गैर मुस्लिम को मुसलमानों के तर्ज अमल में महसूस होता है। डॉक्टर जाकिर नायक ने भी इस सवाल की बहुत तारीफ की और इस लड़की को इस सवाल करने पर बहुत सराहा और कहा, मैं इस सवाल पर पहले भी बात कर चुका हूँ मगर बहुत कम, मगर आज मैं तफसील से इस मौजू पर बात करूँगा क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गुमराही का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने उस खातून से कहा कि बहन, आपने मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है इसलिए आपने ये सवाल किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये भी सच है कि खुदा के सिवा किसी को शरीक ठहराना तो ये भी गलत है, मतलब कि मज़ारात पर जाकर सजदा करना भी गलत है। चर्च में जाएं तो वहाँ पर जीसस की एक मूर्ति रखी होती है। अगर भारत में देखें तो वहाँ करोड़ों हिंदू हैं जो बुतों की पूजा करते हैं, हालांकि बाइबल और वेदा में लिखा है कि खुदा एक है। दोनों में एक ही बात है कि खुदा एक है। ये बात कुरान पाक कहता है, खुदा एक है, खुदा ला शरीक है, वो किसी की औलाद नहीं और ना उसकी कोई औलाद है और ना उसका कोई हमसर है। यही पैगाम हिंदू सहीफों में भी दिया गया है, मगर इसके बावजूद करोड़ों हिंदू और ईसाई बुतों की पूजा करते हैं। ऐसे ही मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि कई ऐसे मुसलमान भी हैं जो इस्लाम की सही से पैरवी नहीं करते, वो दरगाहों पर जाते हैं, वहाँ सजदा करते हैं, ये शिर्क है। जैसे हिंदू और ईसाई अपने मजहब की सही से पैरवी नहीं करते, वहीं पर मुसलमान भी अपने मजहब की सही से पैरवी नहीं करते। जो मुसलमान कुरान मजीद का कोई भी हुक्म या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदायत को न माने वो बाअमल मुसलमान नहीं है। And it's a very intelligent question. She says that in Islam, if associating partners with God is the biggest sin and the best form of worship is to prostrate, then what happens in dargahs? People go to dargah and they prostrate. So is it right or is it wrong is the basic question. Sister, I do agree with you. You have understood my lecture very clearly and very correctly that associating partners with God, anyone does, it is wrong.
डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को ना देखो बल्कि कुरान पाक को देखो। कुरान पाक में कहीं भी नहीं लिखा कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कब्र पक्की है तो इसको जमीन के साथ हमवार कर देना चाहिए। मजार को पूजना गलत है और हराम है। खुदा के साथ शरीक ठहराने वाला चाहे वो खुद को मुसलमान कहे या गैर मुस्लिम, वो ऐसा करता है तो वो गुनाह करता है, बल्कि सिर्फ गुनाह नहीं वो गुनाह अजीम करता है। इसका नाम चाहे अब्दुल्ला हो, जाकिर हो, जॉन हो, चाहे कोई भी हो, खुदा ला शरीक है और अकीदा तौहीद की नफी इंतहाई संगीन गुनाह है। मुसलमान होने के नाते हम अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने सजदा नहीं करते, तो जो भी खुदा के सिवा किसी को सजदा करता है वो शिर्क कर रहा है। कोई मुसलमान किसी की कब्र पर जाए वहाँ जाकर सजदा करे तो वो सबसे बड़ा गुनाह और शिर्क कर रहा है। व्हेदर ही कॉल्स हिमसेल्फ जॉन, अब्दुल्ला, जाकिर, मोहम्मद, एनीवन हु एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, ही इज डूइंग द बिगेस्ट सिन एंड वी कैन प्रोस्ट्रेट टू नो वन बट ऑलमाइटी गॉड। So anyone who prostrates to anyone besides Almighty God, he is doing shirk. He is assuring partners with God. So if any human being goes to any grave and he prostrates to that grave and he worships that grave, he is doing the biggest sin, irrespective whether he calls himself a Muslim or non-Muslim. Dr. Zakir Naik ka kehna tha ki kai Musliman anjane mein ilm ki kamzori ki wajah se mazarat par jaate hain. और फिर हम बतौर इंसान कल्चर से भी मुतासिर हो जाते हैं। भारत में बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिनके बाप दादा या उनके परदादा कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा मंदिर जाते थे और हम मज़ारात पर जा रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि अगर मज़ार पर जाने वालों से इस्लाम सीखते हैं तो ये बंद कर दें, मज़ार पर जाना गलत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पर जाओ, जब वहाँ जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कभी न कभी मरना है और इस जगह पर आना है, आप आखिरत पर यकीन करेंगे। यानी हमारे लिए हदायत यही है कि कब्र पर जाकर हम उनके लिए दुआ करें और कब्रों में पड़े हुए लोगों से दुआ नहीं करवाएं। जो मर गया अच्छा इंसान होगा इसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए और उनके गुनाह माफ फरमाए। मगर जाकर ये बोले कि मेरे इम्तिहान में नंबर कम है बाबा, अच्छे नंबर करवा दो, ये हराम है। कुरान मजीद में कम से कम 25 आयात हैं जहां शफाअत का लफ्ज लिखा गया है, मतलब सिफारिश। सिफारिश हराम है। जिनको इजाजत है सिफारिश की वो क्यामत के दिन सिफारिश करेंगे। यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफात की इजाजत है, मगर क्यामत के रोज आज की तारीख में भी हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांग सकते। हम मरने वालों से मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, मगर इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की करते हैं। So okay, if you would give me the opportunity, I would further like to ask you. So basically, I've seen, like you said, anybody, okay, be it a Muslim or Christian or Hindu, whoever does that. Now, if I tell you, from what I have seen and known, is like a huge percentage. Okay, they are the people. I could call them the Muslims. They go to the dargahs. Then what would you have to say about it? See, as far as the Arabic word Muslim is concerned, a true Muslim is a person who submits his will to God. A true Muslim will never bow down to any grave. I am aware, sister. I wouldn't say that you are wrong, you are right, that there is quite a large quantity of so-called Muslims who bow down to these graves. What do I have to say? I feel they are doing wrong. They are doing shirk. They have to change. And that's what in my talks I even tell them. That if you want to go to a grave, the Prophet said that you can go to a grave, it reminds you of your akhirah, that one day you have to die. So when you go to a grave, you can pray for the person, but you can't pray to him. You can pray for him, that may Allah give him Jannat-e-Firdaus, may he forgive his sins, etc. But you can't pray to him. Prayers should only be to Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. They alone we worship, they alone we ask for help. So my talks are even targeted to these Muslims, and I tell them also that I've given other talks that you should not worship, you should not prostrate to graves. This is wrong, it's a big sin. And alhamdulillah, summa alhamdulillah, since you are from Bombay, I'm also from Bombay, there are thousands of youngsters, mashallah, after my talk, who have stopped worshipping graves. Alhamdulillah. Nazreen, aaj ki video ke bare mein aapki kya raaye hai? Comment section mein lazmi aga kijiyega.
नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।